चूहा इतना नष्ट किया है, लगभग 350 कुंटल धान मेरा सड़ जा रहा है। इसमें तो गड़बड़ है बिल्डिंग में सर, 300 कुंटल धान अभी देखिए जो सड़ जा रहा है, तो हम कहाँ बाप का जमीन बेच के भरेंगे। सब चूहा खा गया, सब चूहा खा गया, धान के जगह मिट्टी दिखाई दे रहा है। 500 बैग काटा गया, 500 बैग सुपर है, 500 बैग से 350 कुंटल धान सड़ हुआ है। 10 से 12 साल में जमीन टूट जाना, दीवार क्रेक कर जाना और एल्वेस्टर ऊपर का टूट जाना। जगेली पैक्स गोदाम तारानगर के जर्जर हो जाने के कारण गोदाम में रखा करीब 350 क्विंटल धान चूहा हजम कर गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 350 क्विंटल धान चूहा हजम कर गया है। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पैक्स अध्यक्ष गुलाम रब्बानी खुद कह रहे हैं। गुलाम रब्बानी के मुताबिक गोदाम की स्थिति काफी जर्जर है, जिसके कारण चूहा आसानी से गोदाम में प्रवेश कर जाता है और गोदाम में रखे करीब 350 क्विंटल धान चूहा ने हजम कर लिया है। पैक्स अध्यक्ष गुलाम रब्बानी ने भवन की जर्जर स्थिति को दिखाते हुए बताया कि भवन की स्थिति काफी दयनीय है, दीवारें काफी टूट गई हैं, छत में बड़े बड़े होल हैं और सतह काफी धस गया है। स्थिति बिल्कुल कबाड़ जैसी भवन की बनी हुई है और वैसे भवन में उन्हें धान का भंडारण करना पड़ रहा है, जिसके कारण करीब 350 क्विंटल धान चूहा ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसका खामियाजा सीधे तौर पर उसे ही उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ गुलाम रब्बानी ने कहा कि पिछले के पैक्स अध्यक्ष के कार्यकाल में इस भंडार भवन का निर्माण किया गया, जो काफी गुणवत्ता विहीन है और 10 वर्षों में ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और इसका खामियाजा न केवल पैक्स अध्यक्ष को बल्कि वर्तमान में इलाके के किसानों को भी उठाना पड़ रहा है। और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, भवन का मरम्मत नहीं करवाती है, तो फिर किसानों से धान की खरीदारी वे नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें घर से घाटा उठाना पड़ेगा। गुलाम रब्बानी ने कहा कि चूहों के द्वारा करीब 350 क्विंटल धान हजम कर दिए जाने के कारण उन्हें करीब 6 लाख रुपये का घाटा लग चुका है। ऐसे में वे किसी भी परिस्थिति में धान खरीदारी करने के मूड में नहीं है, जिससे किसान सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। पैक्स अध्यक्ष ने कहा कि शिकायत विभाग को करने के बावजूद भी संदर्भ में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। सर, स्थिति तो आपके सामने है, इसमें धान रखे हुए हैं अभी लगभग 5-6 लोड का धान है, लेकिन इसमें धान का स्थिति दीवार पीछे घसक गया है, जमीन को इसका फर्श जो है टूट चुका है, इसके कारण से चूहा इतना नष्ट किया है, लगभग 350 कुंटल धान मेरा सड़ जा रहा है। आप इसका भी मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पूरा दीवार टूटा हुआ है, फर्श टूटा हुआ है, हर जगह कहीं मिट्टी है, सिर्फ गोदाम में धान के जगह मिट्टी दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हैं सर। कितना पुराना बिल्डिंग है जो इतना जल्दी, मतलब ये लगभग 12-13 साल हो गया सर, 2010 में लगभग बना है ये गोदाम। ये 12-13 साल में मकान टूट जाता है, 12-13 साल में। आप उस पूर्व अध्यक्ष में क्या कौन थे, संजय शर्मा जी के आफ्ताब आलम, उतना जानकारी तो हमको नहीं, हम तो नहीं जीते हैं इस बार सर, कैसे बनाया था उस वक्त तो हम लोग नहीं थे सर, हम लोग क्या पता। तो 10 साल में अगर कोई भवन टूट जाता है जी, तो उसका गुणवत्ता किस प्रकार का होगा, आप नहीं बता सकते इसको क्या? ये बात जाहिर सी बात है, आप भी समझ सकते हैं कि क्या लगा होगा इसमें, जो कि 10 से 12 साल में जमीन टूट जाना, दीवार क्रेक कर जाना और एल्वेस्टर ऊपर का टूट जाना, ये तो आप भी समझ सकते हैं सर कि क्या गुणवत्ता होगा उसका, क्या लगाया होगा, फर्श ही जो बना है तो कैसे बनाया होगा। इसका खामियाजा क्या उठाना पड़ रहा है आप लोगों को? खामी हम लोगों को परेशानी हो रहा है ना, हमको अभी धान सड़ जा रहा है, परेशानी तो हमको हो रहा है, हम तो बार बार दे रहे हैं लिख के सर, नया गोदाम दीजिए या इसको रिपेयरिंग कर दीजिए, इसी को करना है रिपेयरिंग, तो विभाग द्वारा बोला जा रहा है कि रिपेयरिंग का कोई है ही नहीं, तो कैसे तब इसी तरह से चलता रहेगा, ऐसे स्थिति में हम धान कैसे रखेंगे सर, अब तो हम रखेंगे ही नहीं, तो हर बार जमीन बेच के नहीं ना हम देंगे, एक बार रखने की जगह नहीं होगी तो फिर आप खरीदेंगे भी नहीं? नहीं खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर पैक्स का क्या मतलब रह जाएगा? पैक्स का मतलब रह जाएगा तो नया गोदाम दे विभाग, या इसको सही से ढंग से मरम्मत करवा दे। विभाग द्वारा बार बार मेरे बोला जा रहा है कि सर इसको कम से कम रिपेयरिंग करवा दीजिए, इसी में अगर रखना है, नया गोदाम नहीं है, नहीं दे पाएंगे तो इसी को रिपेयरिंग करवा दीजिए। तो आपको लगता है कि जिस समय बनाया गया उस समय का जो भी इंजीनियर लोग थे जी, जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, गुणवत्ता का जांच कर रहे थे, उन लोगों ने सही से किया है? नहीं, कहीं ना कहीं तो गलत है, मिली भगत किए हैं लोग, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो इंजीनियर लोग, जो भी हो, जय साहब जो भी हो, कहीं ना कहीं तो किए हैं गलत,
उसके कारण हमको भोगना पड़ रहा है अभी। आपको भोगना पड़ रहा है तो किसान को भी तो भोगना पड़ रहा है। किसान को भी भोगना पड़ रहा है, बताइए ना सर। अभी का देखिए, एक तो रेट में नहीं पोसा रहा है, किसान को नहीं पोसा रहा है। 2040 पैक्स का रेट है, अभी मंडी 1950 रुपये रेट है। हम लोगों का धान पर कुंटल 6 किलो काटा जा रहा है, 6.5 किलो 500 ग्राम। कहाँ से किसान क्या फ़ायदा होगा पैक्स में देने के लिए? 5 दिन 6 दिन पेमेंट के लिए रुकेगा, कम से कम 2 दिन 48 घंटा तो रुकना ही पड़ता है पेमेंट के लिए। लेकिन मंडी रेट उससे अच्छा पड़ रहा है। आप 6.5 किलो जब किसान का धान काटेंगे और 2040 को, उस 2040 में 6.5 किलो का धान माइनस करेंगे धान का दाम, तो आप देखिए मंडी रेट ज़्यादा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। गवर्नमेंट को कम से कम पैक्स के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल द्वारा मेरी बातों को कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, सभी से मैं एक आग्रह करूंगा, कम से कम पैक्स पे ध्यान दें, किसान के हित के लिए सोचें। नहीं, ये पैक्स तो बनाया ही गया है किसान के लिए जी। तो क्या लग रहा है कि पैक्स किसान के लिए सही तरीके से काम कर पा रहा है? देखिए, हम लोगों को जो आदेश मिलेगा वही ना कर सकते हैं सर। सरकारी रेट 2040 है तो हम 2500 नहीं कर देंगे, उसी लिए मंडी रेट अभी 1950 है। तो अब पैक्स में धान क्यों बेचेंगे लोग सर? 300 कुंटल धान अभी देखिए जो शॉर्ट जा रहा है, तो हम कहाँ बाप का जमीन बेच के भरेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में आप नहीं खरीदेंगे किसानों का अनाज, रखेंगे तो आपको घाटा लगेगा जी। तो कहीं ना कहीं घुमा के देखेंगे तो किसान का तो हाल फिर वही हो जा रहा है जी। वो आप खरीदेंगे नहीं, आप खरीदेंगे तो आपको घाटा होगा जी जी। नहीं खरीदेंगे तो उनको बिचौलिए के पास जाना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ फिर वो जैसे तैसे भाव में बेचेगा। तो किसान का जो मनसा है वो लगता है कि कहीं पूरा हो पाएगा? देखिए सर, जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर तो हम लोग खड़े उतरे और जहाँ तक हुआ खरीदारी भी किए। हम मेरा के ये एक ही बात कहना है सर, कम से कम ये जो गोदाम है इसको, इसका निर्माण या तो न्यू गोदाम दे दे विभाग द्वारा, या तो इसको रिपेयरिंग करवा दे। ये बताइए कि ये गोडाउन सिर्फ आप ही का ऐसा हालत में है या फिर इस इलाके में जितना भी बना है लगभग सबकी स्थिति वैसी है? नहीं, कहीं कहीं ऐसा है, इस तरह का दिक्कत है, सब जगह ऐसा नहीं है। वहीं पैक्स के द्वारा सही तरीके से काम नहीं किए जाने से लोगों में भी काफी नाराजगी दिखी। लोगों ने कहा कि भंडारण ठीक ठाक नहीं होने के कारण इलाके के किसानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और पैक्स अध्यक्ष ने संदर्भ में कहा कि बाजार मूल्यों और पैक्स के मूल्यों में कोई खास अंतर नहीं रह गया है, जिसके कारण किसान भी पैक्स को धान बेचना उचित नहीं समझ रहे, इसलिए विभाग को इस पर अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। पैक्स है किसानों के लिए जिस तरह से बनाया गया है, किसानों को उसका सही लाभ मिल पा रहा है? नहीं। कारण क्या है? विधि व्यवस्था में गड़बड़ी है, गोदाम का स्थिति जर्जर है, इसके कारण पैक्स अध्यक्ष महोदय पे ड्यूज गिर रहे हैं, बोल रहे हैं मूसा लग जाते हैं, धान खा जाता है, 300-400 कुंटल शॉर्ट हो जा रहे हैं। हम लोग को बुलाए हैं अभी किसान के तौर देखने के, हम लोग जाके देखे सच में, मतलब काफ़ी चूहा लगे हुए हैं गोदाम में, जिसके कारण धान शॉर्ट हुए हैं, तो उस पर ड्यूज गिर रहे हैं। ड्यूज गिरने के कारण किसान की समस्या बढ़ रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष समय पर उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो किसान को तो कहीं ना कहीं परेशानी जी जी, किसान पे तो काफ़ी परेशानी है। ये तो एक तो रेट नहीं है, मंडी का रेट बराबर है पैक्स का रेट से। ये किसान के हेल्प के लिए बनाया गया है जी, लेकिन हेल्प नहीं मिल पा रहे हैं। लगता है गुणवत्तापूर्ण है ये? नहीं, इसमें तो गड़बड़ी है बिल्डिंग में। तो कैसे फिर आप लोग इसको मैनेज करते हैं? मैनेज किया, मजबूरी में रखना पड़ता है यहाँ पे धान, किसान का धान कहाँ रखेंगे? गोदाम और है ही नहीं, कहाँ रखेंगे? मजबूरी कारण रखना पड़ता है यहाँ पे, जहाँ सामान सुरक्षित नहीं रह सकता है वहाँ सामान रखेंगे तो फिर क्या हाल होगा उसका? वही देखें ना सर, अभी क्या हाल है, धान कितना गड़बड़ हो गया, मूसा काट दिया, मिट्टी निकल गया। तो अधिकारियों को समझ, अधिकारियों को बताया नहीं आप लोगों ने? बताया, कितने बार बताया ही नहीं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ नहीं हो रहा, क्या करेंगे? छोड़ देंगे किसान के धान खरीदना, छोड़ देंगे किसान, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे किसान। तो फिर ये पैक्स का क्या मतलब रहेगा कि जब खरीदेंगे नहीं तो? तब किसान को धान लेके पैसा नहीं देंगे तो फिर किसान से भी लड़ाई होगी, मेन बात ये भी है ना। उधेड़बुन में आप फंसे हुए हैं? एक महीना पहले इसमें रखा गया है धान, देखिए इसका स्थिति, बोरा सबका स्थिति देखिए, देखिए देखिए फटा बोरा, 500 बैग काटा गया है, 500 बैग से ऊपर है, 500 बैग से 350 कुंटल धान शॉर्ट हुआ है इस गोदाम में। तो चेयरमैन कहाँ से ला कर पैसा देगा किसान को? सब चूहा खा गया, सब चूहा खा गया, मिट्टी तो चूहा के नाम पर आप हजम कर गए। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए गोदाम का स्थिति देख रहे हैं, इसमें घुसा होगा धान, देखिए इतने इसमें बिल में 350, बहुत सारा बिल है, बिल है, देखिए उगरा ये उधर से भरा हो, देखिए क्या है सब, बहुत क्षति है सर।
आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है, अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त, जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूँ, आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला, थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहां जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सोल्यूशन, शॉवर, शॉवर इंक्लोजर एवं कम्प्लीट बाथरूम सोल्यूशन। डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहां फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।